वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा ब्लूटूथ स्पीकर आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं टेस्ट करने वाला हूँ उसकी साउंड क्लैरिटी को, उसकी बेस को और उसकी लाउडनेस को भी। यहाँ मैंने खरीद लिया है इंडिया के टॉप 4 ब्लूटूथ स्पीकर्स को, जो कि 1000 रुपीज की रेंज में मिल जाते हैं, और उनको मैंने सिलेक्ट किया है उनकी टॉप रेटिंग्स और ग्रेट रिव्यूज के बेसिस पे, और वो ब्रांड्स हैं बोट, मिवी, MI एंड पोट्रॉनिक्स। चलिए हम कंपेयर करते हैं उनके फीचर्स को। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले डिजाइन की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको मिवी, MI और पोट्रॉनिक्स के अंदर काफी ज्यादा प्रीमियम डिजाइन मिलता है, और उनकी मटेरियल क्वालिटी और मैश क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। और यहाँ पे अगर मैं बोट स्पीकर की बात करूँ, तो उसका मैश और मटेरियल क्वालिटी मुझे थोड़ी एवरेज लगी। तो यहाँ पे बोट, मिवी और MI के अंदर आपको स्प्लैश प्रूफ डिजाइन मिलता है, जिससे कोई भी वाटर स्पिलेज और स्प्लैश से आपके स्पीकर्स काफी ज्यादा सेफ रहेंगे। बट यहाँ पे अगर मैं पोट्रॉनिक्स की बात करूँ, तो उसके साथ आपको कोई भी वाटर या डस्ट प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। तो यहाँ पे बोट, मिवी और MI के अंदर आपको 5 वॉट का साउंड आउटपुट मिलता है, बट यहाँ पे अगर मैं पोट्रॉनिक्स की बात करूँ, तो उसके साथ आपको 10 वॉट का आउटपुट मिलता है, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर काफी ज्यादा अच्छा है। और इन सभी स्पीकर्स के साथ आपको काफी अच्छा बैटरी बैकअप भी मिलता है, क्योंकि MI और मिवी के अंदर आपको ऑलमोस्ट 20 से 24 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलता है, और यहाँ पे बोट और पोट्रॉनिक्स के अंदर आपको 10 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है, और वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। और इसके साथ अब इन सभी स्पीकर्स को ड्यूल स्पीकर सेटअप के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं। आपको सभी स्पीकर्स के साथ एक बिल्ट इन माइक भी मिलता है, जिससे आप आराम से हैंड फ्री कॉलिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं इनकी पोर्ट्स की बात करूँ, तो बोट, मिवी और MI के अंदर आपको माइक्रो USB का ऑप्शन मिलता है चार्जिंग के लिए, और यहाँ पे इसके साथ आपको एक ऑक्स का ऑप्शन भी मिलता है। बट यहाँ पे पोट्रॉनिक्स के साथ आपको फास्ट चार्जिंग के लिए USB-C का ऑप्शन भी मिलता है, और उसके साथ आपको USB-A ऑप्शन भी मिलता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन सभी के साथ रियल टाइम टेस्ट को। तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल गाना प्ले करके चेक करने वाला हूँ सभी स्पीकर्स की साउंड क्लैरिटी को। तो यहाँ मैंने सभी स्पीकर्स को सिमिलर वॉल्यूम पे सेट कर दिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टेस्ट को। तो यहाँ पे क्लैरिटी टेस्ट के अंदर सभी स्पीकर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, उन सभी की साउंड क्लैरिटी और वोकल्स काफी ज्यादा क्लियर थे। चलिए अब हम चेक करते हैं इन सभी स्पीकर्स की बेस परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पे हम प्ले करेंगे एक बेस हैवी सॉन्ग को, तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी ओपिनियन के अंदर यहाँ पे MI ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि उसका बेस मुझे काफी ज्यादा रिच और पंची लगा, और इवन उसका सराउंड साउंड इफेक्ट भी काफी ज्यादा बेटर था दूसरे स्पीकर्स के मुकाबले। और उसके इमीडिएट बाद बोट और मिवी ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि उसका बेस भी काफी ज्यादा रिच और पंची था, बट उतना नहीं जितना MI का था। और फाइनली अगर मैं पोट्रॉनिक्स की बात करूं, तो उसकी बेस परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कम लगी बाकी दूसरे स्पीकर्स के मुकाबले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टेस्ट, और उसके अंदर हम चेक करेंगे कि कौन सा स्पीकर सबसे ज्यादा तेज बजता है बिना अपनी साउंड क्लैरिटी को खोए। और इसके लिए हमने सभी स्पीकर्स की वॉल्यूम को मैक्सिमम पे सेट कर दिया है, और इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे ये साउंड चेकिंग डिवाइस का यूज करेंगे, और इसके अंदर डेसिबल का नंबर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्पीकर की लाउडनेस होगी। तो चलिए हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट के अंदर सभी स्पीकर्स की साउंड क्लैरिटी काफी ज्यादा अच्छी थी, बट यहाँ पे सबसे तेज वॉल्यूम थी पोट्रॉनिक स्पीकर की। यहाँ पे बोट और MI ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि उसकी साउंड भी अराउंड 103 टू 106 डेसिबल्स की थी, बट यहाँ पे मिवी की लाउडनेस बाकी स्पीकर कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ी सी कम थी। तो गाने सुनते टाइम हम अपने स्पीकर्स पे काफी बार कॉल्स भी अटेंड करते हैं, और उसके अंदर काफी ज्यादा मैटर करता है आपके स्पीकर की माइक क्वालिटी। तो इस टेस्ट के अंदर आप खुद ही सुन पाएंगे सभी स्पीकर्स की माइक क्वालिटी। So this is the mic input test for Bose speaker. So this is the mic input test for Bose speaker.
दिस इज अ माइक इनपुट टेस्ट फॉर MI स्पीकर. तो यहाँ पे मेरे ओपिनियन के अंदर MI की माइक क्लैरिटी मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी और उसके तुरंत बाद बोट और पेट्रोनिक स्पीकर की माइक क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी थी. बट यहाँ पे अगर मैं मीवी की बात करूँ तो उसके अंदर हमको माइक क्वालिटी थोड़ी सी एवरेज लगी. तो इन सभी स्पीकर्स की ब्लूटूथ रेंज को हमने एक ओपन स्पेस में चेक किया है और इन सभी के रिजल्ट्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके अंदर MI बोट ऑफ पेट्रोनिक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि उसकी रेंज ऑलमोस्ट 30 मीटर तक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी. और यहाँ पे अगर मैं मिवी की बात करूँ तो उसकी रेंज भी अराउंड 20 मीटर की थी और वो भी एक काफी अच्छी ब्लूटूथ रेंज है. तो यहाँ पे सभी टेस्ट की पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बाद मेरी आपको पहली रिकमेंडेशन होगी MI ब्लूटूथ स्पीकर की, क्योंकि उसके सभी टेस्ट के अंदर काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की, चाहे वो बेस हो, साउंड क्लैरिटी हो या फिर लाउडनेस हो. यहाँ मेरी दूसरी रिकमेंडेशन आपको होगी बोट स्पीकर की, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अच्छी थी बट MI के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम. और मैं आपको यहाँ पे तीसरी रिकमेंडेशन मीवी और पेट्रोनिक्स दोनों की देना चाहूंगा, क्योंकि उन दोनों की परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अच्छी थी इस प्राइस रेंज के हिसाब से और उसके अंदर भी कोई मेजर ड्रॉबैक नहीं था. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. तो 10,000 mAh के बेस्ट पावर बैंक को लेने के लिए आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो को, और अगर आपको लेना है 20,000 mAh का पावर बैंक तो आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो को.